आज हम इस वीडियो में आपको इंसानों के कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं और ये सभी मनोवैज्ञानिक तथ्य वैज्ञानिकों द्वारा बहुत से इंसानों में परीक्षण करके ही बताए गए हैं और इनमें से कुछ आपने खुद भी अनुभव किए होंगे और इनमें से कितने ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपने अपनी असल जिंदगी में महसूस किए हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई लड़का आपको पसंद करता है तो आप क्या चाहते हैं, वह उसमें भी रुचि रखता है। हम उन लोगों के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं जिनका मिल पाना हमारे लिए असंभव है। कई रिसर्च में पाया गया है कि प्यार में पड़ना ड्रग्स के नशे के बराबर होता है। कहते हैं कि जब हम किसी को याद करते हैं तो वह व्यक्ति भी हमें याद कर रहा होता है। आप किसी अट्रैक्टिव लोगों से 4 मिनट से भी कम समय में प्यार कर बैठते हैं। अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हैं तो उसके साथ काम करते हुए आप नई नई चीज़ों को जल्दी सीखते हैं। अगर कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है तो इसका मतलब है वह नरम दिल का व्यक्ति है। दिन में 10 मिनट से ज़्यादा हंसने वाले कपल की बॉन्ड बाकियों से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप किसी के बारे में हर समय सोचते रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसे बहुत अधिक मिस कर रहे हैं। जो इंसान रो नहीं सकता वह किसी भी इंसान की भावना या उसके प्रति प्यार महसूस नहीं कर सकता। अगर आप अपने प्यार के लिए थोड़ा झुक नहीं सकते तो यकीन मानिए आपका प्यार ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। जो व्यक्ति अपनी प्रेमिका या प्रेमी का हाथ पकड़ कर चलता है उन्हें थकान या टेंशन महसूस नहीं होती है। जब कोई लड़का किसी लड़की के प्यार में पड़ता है तो उसके कम से कम 2 दोस्त उससे दूर हो जाते हैं। इंसान जिसे आप प्यार करते हैं अगर आप उसे अचानक देख लो तो आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। जब कोई इंसान आपसे बात करने के बहाने ढूंढता रहता है तो इसका मतलब है कि वो आपको चाहने लगा है। किसी भी कपल का ब्रेकअप तभी होता है जब उन दोनों में से किसी एक ने भी किसी तीसरे व्यक्ति से सलाह ली हो। कोई व्यक्ति अगर जरा सी बात पर गुस्सा हो जाता है तो इसका मतलब है वह अपने जीवन में प्यार का महत्व चाहता है। अगर कोई लड़का आपको पसंद करता है तो वह आपके करीब आने की कोशिश करेगा चाहे उसने कभी भी आपसे बात तक ना की हो। किसी व्यक्ति को सबसे अच्छी फीलिंग तब आती है जब उसे पता चलता है कि दूसरे की लाइफ में वो कितना इम्पोर्टेंट है। एक स्टडी में पाया गया है कि किसी को अपने प्यार में गिराने के लिए उसकी आंखों में घूर कर देखना काफी हद तक काम करता है। अगर कोई लड़का आपको पसंद करता है तो वह जिस तरह से आपके साथ बात करता है वह दूसरों के साथ बात करने में बिल्कुल अलग होगा। किसी के साथ ज्यादा देर तक बात करने से उससे अट्रैक्शन होने लगता है और इसी चीज को इस दुनिया के 80% लोग प्यार समझने लगते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि मेल मिलाप किसी भी रिश्ते को तरोताजा बनाए रखता है, इसलिए आप कोशिश करें कि अपने पार्टनर के साथ ज्यादा समय व्यतीत करें। सच्चे दिल के लड़के और लड़कियां किसी के काम को ना नहीं कह पाते। यदि वे किसी काम को ना कह देते हैं तो अंदर ही अंदर उन्हें खुद में पूरा महसूस होता है। इंसान को सबसे बेहतरीन फीलिंग्स तब आती है जब उसे पता चलता है कि वह किसी इंसान के लिए स्पेशल है या कोई उसकी वास्तव में केयर करता है। सच्चे लवर का दिल टूटने से उसे भयानक शारीरिक दर्द का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था को स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। अगर कोई लड़का किसी लड़की को देखकर यह फील करता है कि वह उसकी लाइफ में स्पेशल है तो 90% चांस है कि वह लड़का उस लड़की को पसंद करता है। जब कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो वह लड़का उस लड़की के आसपास से या उसके दोस्तों से उसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है। जब कोई आपको दिल से याद करेगा तो उसका पता आपको कुछ इस तरह से चलेगा कि आपका मन बेचैन होने लगेगा और अचानक वही शख्स बार बार आपको याद आने लगेगा। लड़के किसी से भी अपने दिल की बातें बहुत जल्दी शेयर नहीं करते, लेकिन जिससे भी ये अपने दिल की बातें शेयर करते हैं वह इंसान उनकी जिंदगी में हद से ज्यादा इम्पोर्टेंसी रखता है। एक लड़का जब किसी लड़की से प्यार करता है तो वो उसकी आंखों में नहीं देखता, लेकिन अगर लड़की को किसी लड़के से प्यार हो तो वो उसकी आंखों में देखती है। हमारा मन केवल प्रत्येक व्यक्ति एक बार पूर्ण विश्वास बनाए रखता है और अगर वह विश्वास टूट जाए तो उसके बाद उसे फिर कभी भी पहले जैसा विश्वास नहीं होता है। जो व्यक्ति प्यार में पड़ता है वह अपने काम के प्रति लापरवाह हो जाता है। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति का काम में मन नहीं लगता है, वह आलसी भी हो जाता है और वह अपने काम से जी चुराने लगता है। अगर कोई लड़का आपको वास्तव में पसंद करता है तो यदि वह आपके आसपास हो और आप किसी और लड़के के साथ बात कर रहे हो तो वह आपको दूसरे लड़के के साथ बात करता देख नाराज हो जाएगा या फिर उसी समय वहां से दूर चला जाएगा। अगर एक ग्रुप में सभी लोग किसी बात को लेकर हंस रहे हैं तो हर कोई हंसते समय उस व्यक्ति को देखता है जिससे वो प्यार करता है। इसलिए जब भी कोई ग्रुप में हंसे तो लोगों की आंखों में देखें, इससे आपको यह तुरंत पता चल जाएगा कि कौन किससे प्यार करता है। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी पत्नी से कोई बात मनवाना चाहते हैं तो उस बात को कहने के 48 घंटे पहले से आप उनकी ज्यादा देखभाल करना शुरू कर दें, क्योंकि इससे 80% चांस बन जाता है कि वह आपकी बात मान जाएगी। यही बात लड़कों पर भी लागू होती है।
यदि कोई लड़का आपको पसंद करता है तो वह हमेशा आपको दूर से ही दिखेगा, खासकर तब जब आप चारों ओर से बेखबर अपने दोस्तों के साथ हैं। तब यदि आप किसी मजाक पर हंस रही हो तो आप जल्दी से पलटकर उस लड़के की आंखों की तरफ देखें। वह लड़का एक बड़ी मुस्कान के साथ आपके चेहरे की ओर बड़ी मदहोश नजरों से देख रहा है और आपकी हंसी के साथ हंस रहा है।